हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1994 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले की शूटिंग लोकेशन के बारे में। दोस्तों, आप सब ने दिलवाले फिल्म तो देखी होगी, जिसकी मुख्य भूमिका में आप सबको नज़र आए थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म की फर्स्ट शूटिंग लोकेशन की तरफ। और दोस्तों, आप सब ने फिल्म के अंदर यह गाना सुना होगा, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूं यार। और दोस्तों, बात करें फिल्म के इस गाने के सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को पाइन फॉरेस्ट ऊटी तमिलनाडु भारत में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं फिल्म की सेकेंड शूटिंग लोकेशन। और दोस्तों, आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा, जहां पे अरुण सक्सेना को अदालत में पेश किया जाता है। और दोस्तों, बात करें फिल्म के इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को विधान सौध बेंगलोर कर्नाटक भारत में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं फिल्म की थर्ड शूटिंग लोकेशन। और दोस्तों, आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा, जहां पे अरुण सक्सेना को जेल में बंद किया जाता है। दोस्तों, बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को कार्थे जेल मुंबई, फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई भारत में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म की फोर शूटिंग लोकेशन की तरफ। दोस्तों, आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, इस सीन के अंदर अरुण सक्सेना सपना से मिलने के लिए एक मंदिर में जाते हैं। दोस्तों, बात करें इस मंदिर वाले सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को प्रसिद्ध फिल्म सिटी मुंबई गोरेगांव में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। दोस्तों, आपको दिलवाले फिल्म की शूटिंग लोकेशन का यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आपसे मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।